वो सारे लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ जो प्रोटीन पाउडर खा के अपनी बॉडी बना रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जो पैसे बचा रहे हैं ताकि वो प्रोटीन पाउडर खरीद सकें। तो हाय क्रेजी पब्लिक, आज हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या प्रोटीन पाउडर हमारे लिए अच्छा है, क्या आपको प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कोई हेल्थ का सर्टिफिकेशन वाला बंदा नहीं हूँ, मैं एक एंटरटेनमेंट और मजाक और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहे क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिलेगी और आप शायद सही निर्णय ले पाओ। आजकल प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल फिटनेस वाले लोग, हेल्थ कॉन्शियस लोग ज्यादा करने लगे हैं और ये पॉपुलर हो गया है, लेकिन क्या ये सही है? तो सबसे पहली चीज, मसल बिल्डिंग। प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट और इफेक्टिव तरीका है अपने मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने का। स्पेशली अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपको ये पाउडर प्रोटीन दे सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने से मसल्स नहीं बढ़ते, उसके लिए आपको एक अच्छा डाइट जो कि बैलेंस्ड डाइट है और प्रॉपर वर्कआउट रूटीन की जरूरत होती है। वरना ऐसा नहीं कि भाई गप्पा गप प्रोटीन पाउडर खा रहा है और बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है वेट मैनेजमेंट। प्रोटीन पाउडर खाने से आपका पेट भरा भरा सा लगता है, जिससे आप कम खाते हैं और आपका वेट मैनेजमेंट करने में ये आपकी मदद कर सकता है। लेकिन ज्यादा ही प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने से भी आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज बन सकती है, जिससे आपका वेट बढ़ जाएगा और आप मेरी तरह मोटे हो जाओगे। पहले इतना पेट नहीं था मेरा, मतलब मैं प्रोटीन पाउडर भी नहीं लेता हूँ, बट मोटे होने का बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज है न्यूट्रिएंट इनटेक। प्रोटीन पाउडर एक आसान तरीका है एडिशनल प्रोटीन्स खाने का या अपने बॉडी में लेने का, स्पेशली वेजिटेरियंस लोग के लिए जो एनिमल सोर्सेस से प्रोटीन नहीं ले सकते। लेकिन नेचुरल फूड सोर्सेस से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स ये पाउडर से आपको नहीं मिलेगा। चौथी चीज है हेल्थ कंसीडरेशन, यानी अपने हेल्थ को देखो, ध्यान दो। प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं और कुछ कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, अपचन हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। साथ ही लो क्वालिटी और मिलावटी प्रोटीन पाउडर अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो प्रोटीन पाउडर लेने के पहले या जब आप प्लान कर रहे हो तो कंसल्ट करें अपने हेल्थ प्रोफेशनल को और उसको बताएं कि आप ये करने वाले हो। एक नया सप्लीमेंट रिजीम वो आपको लिख के देगा, आपकी बॉडी को देखेगा और आपको कुछ गोल्स बना के देगा कि ये खाओ, ये करो और इतना वर्कआउट करो तो ये प्रोटीन शायद ठीक होगा, मतलब ये वो बोलेगा। तो आप उससे जाके पूछो, उसको बिना पूछे मत लो। अगर जिम में पूछोगे तो सब लोग बोलेंगे हाँ भाई पाउडर ले मेरे जैसा बन जाएगा, बट पाउडर के साथ साथ वो लोग टोचन भी तो ले रहे हैं ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर सब्सक्राइब करो और जो प्रोटीन पाउडर लेना चाहता है उसके साथ एक बार शेयर करो, चाहे वो गाली दे दे कमेंट्स में आके। तो प्रोटीन पाउडर लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, जिम जाना है जाओ, मत जाना है मत जाओ, जो करना है वो करो। लेकिन एक चीज प्लीज कर देना अपने आप के लिए कि बन जाओ बड़ा क्रेजी।